नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 7 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा, बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा। आप लोग देखते रहिए, आप लोग को और जो लोग रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कितना क्या क्या लेवल दिखाता हूँ, तो दिखाऊंगा। और तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और एक बात है कि मैंने जो जितना सारा वीडियो देता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप और यूट्यूब में जितना सारा मैंने पोस्ट करता हूँ वो सभी एडुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज़ है। ये आप लोग कुछ मैं NISM सर्टिफाइड हूँ लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और आप लोग कुछ भी ट्रेड करने के लिए और कुछ भी डिसीजन लेने के लिए और आप लोग का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले लेंगे। एनीवे, और मेरा जितना सारा यूट्यूब वीडियोस है तो सभी एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो और ये वीडियो को आप लोग से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीस है, टेक्निक्स है, जो भी आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और भी बहुत सारा जानकारी मिलेगा। और इसका ये वीडियोस को कैसे ये जो बाय सेल लेवल कम सिग्नल कम स्किनर है ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके आपको आप लोगों को ट्रेड करने के लिए बहुत ही आसान कर देगा, प्रॉफिट कमाना बहुत ही आसान कर देगा। आप लोग ट्रेंड पकड़ सकते हैं, बाय सेल लेवल देख सकता है, बहुत सारा बाय सेल लेवल देख के आप लोग ट्रेड डिसीजन ले सकता है, मेरा गाइडेंस भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसको क्या क्या है और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और इसका डाउनलोड करने का सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का भी लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। मैंने और भी डेवलप कर रहा हूँ और बहुत सारा वीडियोस भी आप मैंने डालूंगा डालते रहूँगा, तो ये आप लोग को मिल जाएगा। और भी एक बात है कि ये जो बाय सेल लेवल कम्स बाय सेल लेवल्स मैंने देता हूँ, बाय लेवल्स एंड सेल लेवल्स, इसमें कोई भी एक बाय सेल लेवल एक सेट ऑफ बाय सेल लेवल में कुछ भी काम नहीं करेगा। आप लोग ठीक से मैंने जैसे दिखाया चार्ट पे जैसे दिखाया और मैंने वीडियोस में जैसे दिखाया, टुडेज परफॉर्मेंस वाला वीडियोस मैंने डालता हूँ और व्हाट आर द अवेलेबल थिंग्स वो मैंने जो दिखाया हूँ उसमें कुछ भी लेवल्स आप लोग को मिल नहीं मैच किया। सोच लीजिए 5995 5995.80 के ऊपर 5994 मतलब टारगेट तो सभी समय नहीं मिलता है लेकिन आप लोग को प्रॉफिट नहीं आया या मार्केट उसी डायरेक्शन में नहीं गया तो आप लोग मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसमें तीनों सेट ऑफ बाय सेल लेवल्स बना हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी मैंने बोल तीनों सेट ऑफ बाय सेल लेवल्स और भी बहुत सारा लेवल्स मैंने देता हूँ। तो पहले जो तीनों सेट ऑफ बाय सेल लेवल में बाय सेल लेवल वन का जो लेवल है इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहता है। और सेल का एंट्री लेवल भी बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ रहता है, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहता है। और कैसे आप लोग को एंट्री लेना है वो आप लोग को मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है वो आप लोग को देख लेना है, उसका ही सबसे सोच लीजिए 595 और 599 के बीच में है लेकिन 599 का नज़दीक है, तो 599 छोड़ के जब क्रॉस करेगा 599.45 या 599 आप लोग को 0.10 या 1.1 या 2 आप लोग छोड़ सकता है वो स्क्रिप्ट का बेसिस पे, उसका ही सबसे मतलब अप साइड और डाउन साइड में दोनों साइड में, तो उसका हिसाब से आप लोग लेंगे। तो इसका ऊपर लेंगे और इसका जब नीचे वाला वो भी ऐसे करके लेना है। इसका बाद में आएगा बाय सेल लेवल टू, ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पर ट्रेंड है, सोच लीजिए 1013 और 1072 के बीच में है तो इसमें अप ट्रेंड रहेगा और 1013 और 954 का बीच में स्टॉक रहेगा तो ये डाउन ट्रेंड में जरूर रहेगा। तो इसका नीचे जब तक नहीं आएगा तो आप लोग ट्रेड कर ले सकता है किसी भी एंट्री पॉइंट में, तो आप लोग का नज़दीक जरूर आएगा, प्रॉफिट जरूर आएगा। एनी इसके बाद बाय सेल लेवल थ्री मैंने दिखाऊंगा। ये
इसमें बहुत सारा इंडिकेटर्स है, क्या क्या है मैंने वीडियोस में दिखा दिया है, आप लोग देख लीजिए। आर वन इसमें देखिए, आर वन आप लोग का बाई टू बाई का एंट्री लेवल होगा, आर वन आप लोग का बाई का एंट्री लेवल होगा बाई से लेवल थ्री में, और एस वन आप लोग सेम का एंट्री लेवल होगा। कौन से लेवल पे है वो देख लेने के बाद आप लोग को डिसीजन लेना है। और पिवट पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये भी आप लोग को ये भी देख के आप लोग काम कर सकता है। बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड का भी वैल्यू आप लोग देख सकता है, प्राइस चैनल का वैल्यू देख सकता है, और इसमें कुकआउट, ये तो इंडिकेटर हो गया, ठीक है। वो आप लोग जब पूरा फाइल लेंगे आप लोग को मिल जाएगा। टीरोन लेवल का जो टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन है, इसका ऊपर नीचे भी आप लोग ट्रेड ले सकता है। इसके बाद आएगा इतना सारा इंडिकेटर्स लगता है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आए ये गांड डिग्री का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल मतलब बाई साइड का है और सपोर्ट लेवल मतलब सेल साइड का है। इसके बाद आएगा गांड स्क्वायर ऑफ नाइन का, ये गांड का देखिए बहुत सारा गांड का कैलकुलेशन होता है, मैंने बहुत सारा लेवल ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूँ, इन फ्यूचर हो सकता है और भी लेवल्स मैंने कैलकुलेट करूँगा। और ये है, इसके बाद है ये मूरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप लोग इधर देख सकते हैं। मूरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हाईएस्ट रेजिस्टेंस बीच में रहेगा, लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहेगा। उसके बाद एस वन से एस 18 तक है, और इधर एच आर मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस 1+2+3 है, इसमें कैसे ट्रेड लेना है सोच लीजिए। 631 और 637 का बीच में है तो आप लोग को इधर एंट्री लेना है, 625 के ऊपर है तो आप लोग इधर से लेना है 5-6। इसके बाद देखिए इधर जब एस वन एस टू जो है सोच लीजिए 618 और 612 के बीच में है तो आप लोग को नीचे लेना है, 618 और 625 के बीच में है तो इधर आप लोग को अप साइड में ट्रेड लेना है। तो ऐसे करके आप लोग को समझ लेना है, सोच लीजिए इधर ये लोएस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट इधर भी आ गया है, मतलब कैलकुलेट करके करके वो भी लोएस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर भी आ गया है। वो आप लोग को दूसरा चीज़ है, आप लोग को ये जो 576 और 569 का बीच में होगा तो नीचे लेना है, और 576 और 582 के ऊपर है तो ऊपर नीचे ऊपर लेना है। इसमें इसके बाद मैंने दिखा क्या है 360 डिग्री एनालिसिस, वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें देख के भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। और ये है कि गान का कौन सा डिग्री पे ये स्टॉक्स है वो आप लोग को देख लेना देख इधर दिखाता है, और कौन सा डिग्री पे है, और ये इसका रिवर्सल होने का टाइम मतलब रिवर्सल या कुछ चेंज आने का एस्टिमेटेड टाइम, मतलब लास्ट सेशन ख़त्म होने के बाद एस्टिमेटेड टाइम आवर्स एंड मिनट्स में दिया हुआ है, वो आप लोग देख सकता है। ये इसके बाद ये है गान 360 जो एनालिसिस, ये तीनों साइकिल में दिया हुआ है, तीनों साइकिल का हर एक साइकिल में अप साइड और डाउन साइड में दिया है। ये देखिए 360 डिग्री प्राइस एनालिसिस अप साइड फर्स्ट साइकिल, तो 45 डिग्री से 360 डिग्री तक ये इसका लेवल दिखा गया है, तो आप लोग उसका भी लेवल देख के आप लोग एंट्री ले सकते हैं। कौन सा लेवल पे है उसका लेवल पे आप लोग देख सकता है और एंट्री ले सकता है। और इधर ये डाउन साइड में है, ठीक है, ये फर्स्ट साइकिल का अप साइड और डाउन साइड हो गया। इसके बाद सेकंड साइकिल का अप साइड और डाउन साइड आप लोग नोटिस कर सकता है कि इसका जब अप साइड में जो है उस मतलब सेकंड साइकिल में अप साइड बढ़ गया जाता है और भी बढ़ जाता है, सेकंड साइकिल में और भी कम जाता है डाउन साइड में। यह है 360 का एनालिसिस का थर्ड साइकिल, और ये साइकिल ये भी एक फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल हुआ है अप साइड और डाउन साइड का, ये भी आप लोग देख सकता है। ये दूसरे तरीका से मतलब डिफरेंस लेके किया है, वो हाई लो लेके किया है, तो इससे ये भी आप लोग नोट कर सकता है और इसमें भी ट्रेड कर सकता है। अच्छा, इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखा था, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल मैंने जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, बहुत सारा इंडिकेटर्स बहुत सारा लेवल्स ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो उसमें बहुत सारे लेवल्स ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो और भी लेवल्स इधर दिखा दूंगा। तो आप लोग को दिखाने का मकसद ये है, आप लोग कुछ भी एक इंडिकेटर भी एक लेवल फॉलो कर सकता है, नहीं तो इंडिकेटर्स देख के, और इधर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स देख के और आप लोग मार्केट का सिचुएशन समझ सकता है, और पूरा सब सब का बाई सेल लेवल सब कंपेयर करके
आप लोग एक एंट्री पॉइंट ले सकता है। आप लोग देखो, देखिए ये तो मैंने आप लोग जो प्री में मैंने जो दिखा देता हूँ वैसे लेवल का व्यू देता हूँ। तो आप लोग जब जो पूरा फाइल जब मिलेगा और जब मेरा गाइडेंस मिलेगा, मतलब व्हाट्सएप में आप लोग को कॉल दूंगा चार्जेस लेके, तो आप लोग को ये इसमें आप लोग को पूरा गाइड मिल जाएगा कौन सा लेवल के सही रहेगा और आप लोग को कैसे प्रॉफिट आएगा। और इसका भी सभी का लेवल है ये, ऑलरेडी कुछ चीज़ मैंने दिखा दिया था, फिर भी दिखा देता हूँ। इस लेवल का गन एंगल्स, ये गन स्क्वायर ऑफ नाइन, मुरेस मैथमेटिकल्स लेवल्स, 360 डी एनालिसिस ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ, और निफ्टी बैंक निफ्टी का जब एनालिसिस किया था उस टाइम दिखा चुका हूँ। तो अभी फिर एक बार दिखा देता हूँ। हो गया, इसके बाद मैंने कॉमोडिटी का लेवल्स दिखाता हूँ। कॉमोडिटीज का लेवल तो को दिखाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ, इसका है, मैंने फिर एक बार बोलता हूँ, कुछ भी लेवल सब लोग ऑब्जर्व कीजिए, करता है या ट्रेड करता है तो मेरे को फीडबैक जरूर देना। आप लोग का कुछ मतलब गड़बड़ी होगा क्या, कुछ नहीं मिला है और कुछ अच्छा होगा तब भी आप लोग को फीडबैक देगा तो मेरे को अच्छा लगेगा और भी मोटिवेशन आएगा मेरे को। ये रोज देखिए, ये कुछ भी काम मोनोटोनस लगता है, आप लोग को यूज़ करता है नहीं करता है, आप लोग को काम पे आता है कि नहीं आता है, तो एक तो क्या है आप लोग फीडबैक देता है। हाँ, कुछ लोग का आदमी को काम पे आता है तो उसमें भी एक वीडियो डालने का मोटिवेशन आ जाता है। ये आप लोग सोच समझ सकता है, ये सब लेवल बनाना, वीडियो डालना बहुत ही एक हार्ड वर्क करना, एक मोनोटोनस जॉब होता है। तो इसीलिए आप लोग जब कुछ अच्छा भी बोलेगा और कुछ फीडबैक भी देगा तो मेरा कुछ, हाँ, आप लोग के साथ कनेक्शन होगा तो आप लोग को मेरा अच्छा लगेगा कि कुछ लोग आदमी इधर ऑब्जर्व कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, अपना का ओपिनियन दे रहा है, तो क्या है मेरे को मोटिवेशन आएगा। नहीं तो मैंने इसको बनाते जाता हूँ, आप लोग कुछ को से कुछ फीडबैक नहीं मिलता है तो मोनोटोनस जॉब और भी मोनोटोनस लग जाता है। तो इसीलिए आप लोगों का मतलब फीडबैक मेरे पास मेरे के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। कुछ फ्यूचर्स का दिखा देता हूँ, इधर फ्यूचर्स का कुछ लेवल्स ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ, उसके बाद बहुत सारा लेवल्स दिखाना है। वाई सेल ये है, 100 डे इमेज स्ट्रैटेजी मैंने दिखाता हूँ। ये 100 डे इमेज स्ट्रैटेजी ये है कि 100 डे मूविंग एवरेज जिस जिस स्टॉक्स का कैंडल को कट किया है, आज का डेली कैंडल को, उसका जब हाई लो नेक्स्ट डे टूटता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। ये देखिए बायोकॉन में, कैडिला हेल्थ में, ठीक है, उसके बाद सिप्ला में, कॉल रिविस लैब में, और भी ज़्यादा मैंने नहीं दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये गापी मूविंग एवरेज है, गापी मूविंग एवरेज है, इसका है शॉर्ट टर्म ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंड ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का एवरेज, ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का एवरेज, जब प्राइस अप ट्रेंड है कि या डाउन ट्रेंड है टू दिखाएगा। तो ये जो एवरेज ये जब इसका ऊपर होगा, शॉर्ट टर्म जब ऊपर होगा, शॉर्ट टर्म जब लॉन्ग टर्म का ऊपर, एवरेज शॉर्ट टर्म जब एवरेज लॉन्ग टर्म का ऊपर होगा और प्राइस भी ऊपर होगा, एवरेज शॉर्ट टर्म का ऊपर होगा तो ये टू, ये बाई बाई साइड में टू दिखाएगा, और ये सेल साइड उल्टा होगा तो सेल साइड में टू दिखाएगा। तो ऐसे करके इसका ट्रेंड देख सकता है, लेवल भी देख सकता है, उसमें भी ट्रेड कर सकता है। इसके बाद इनसाइड द बार NR4 NR7 दिखाऊंगा। इनसाइड द बार NR4 NR7 में आप लोग को देखिए, देखिए इधर NR4 NR7 बना है अदानी एंड पे, और इधर इसका करंट कैंडल जो ब्रेक करेगा तो आप लोग को ट्रेड लेना है। ये अदानी पावर है शायद, ये हाँ अदानी पावर, इसमें इन 2 दिन का हिसाब से बना है, 2 दिन का हिसाब से बना है, 2 दिन का हिसाब से बना है। और इधर इधर देखिए, इधर अंबुजा सीमेंट 1 डे का हिसाब से इनसाइड द बार बना है, और NR7 भी बना है, NR4 भी बना है। मैंने कुछ दिखा देता हूँ चार्ट पे भी आप लोग को, तो आप लोग को भी देखने से अच्छा लगेगा।
और हम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ फकीर बनता है, इसमें अंबुजा सेम लग गया कि हाँ अंबुजा सेम में देखिए, ये जो आज का ये जो काल का कैंडल था ये इसका हाई लो देखिए, आज का कैंडल तोड़ नहीं पाया है, तो इसका जो ये इस तो इंसर्ट ये इंसर्ट दबार हो गया, तो इंसर्ट दबार और भी अच्छी तरह से दिखाता है, तो देखते हैं और भी कुछ अच्छा बनता है नहीं है, तो इसका जो फाइल तोड़ेगा इसका ट्रेड कर लेना है, अच्छा मूवमेंट देने का चांस है। तो इंसर्ट दबार का मतलब क्या होता है, वो कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, एक का अंदर जब एक कॉम्प्रेस्ड हो जाता है उसके बाद जब उसका हाई लो ब्रेक होता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है, कुछ पिस्टन के तरह मतलब कुछ अब लोग जब कुछ पिस्टन को कॉम्प्रेस कर देता है किसी का अंदर, तो जब उसके बाद जब वो मतलब ब्रेकअप होता है तो उसका मूवमेंट अच्छा मिलता है। तो देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में भी NR4 NR7 1 डे का इस सबसे इंसर्ट दबार सभी बना है, तो बालकृष्ण को भी एक बार देखा देता हूँ, कृष्णा इंडस्ट्रीज को देखना है, इंडस्ट्रीज में देखिए ये भी इंसर्ट दबा रहा है, ठीक है ये भी इंसर्ट दबा रहा है, ये मतलब इसका ये देखिए इसका आज का हाई लो है 819 और लो था 738 कल का, तो आज का ये है 807 हाई और लो तो है 769, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आता है जरूर कि ये कुछ इसमें जो दिखाता हूँ वो सही बनता है। इसमें देखिए DLF को छोड़ देते हैं और कितना दिखाऊंगा, आप लोग खुद देख लेता है सकता है, कुछ नहीं मिलेगा तो आप मेरे को फीडबैक देख सकता है। और इसमें लोअर हाई लोअर लोस बहुत सारा में बना है, हायर हाई हायर लोस भी बना है, तो बायोकॉन को देखता है इस मार्केट में हायर हाई हायर लो को बना है, मतलब लास्ट 3 डेज का ये नहीं है एक दिन का हिसाब से, लास्ट 3 डेज का हिसाब से लगातार हाई हायर लोस हायर हाई बनेगा। तो देखते हैं इसका बायोकॉन, इसका देखिए लास्ट 3 डेज से हायर हाई हायर लोस बना है, लोअर हाई लोअर लोस कहाँ पर बना है, तो लोअर हाई लोअर लोस तो बहुत सारा में बना है, को देख लेते हैं एक्सिस बैंक को देख लेते हैं, एक्सिस बैंक मेरा एक्चुअली सभी ने दिखाने के लिए अब मैं दिखाने का मेरा फालतू में मेरा मतलब वीडियो लंबा हो जाता है, मेरा प्रॉब्लम आता है उसको लोड करना उसको प्रोसेस करना प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए इसमें आप लोग खुद देख सकता है इधर, तो इधर देखिए इसमें लगातार 3 दिन से नीचे गिरा है, तो ये जब इसका जब लो तोड़ेगा तो और भी नीचे जाने का चांस बहुत ही अच्छा बनता है। और इसमें देखिए और क्या है मेरा, मैंने खुद दिखा जाऊंगा तो ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो ख़त्म हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इधर पॉजिटिव हमार इन्वर्टेड हमार हैंगिंग मैन ये सब कुछ नहीं बना दिखता है, भी स्टॉक में नहीं दिखा है। उसके बाद बुलिस मारुबुजू बहुत ही रेयर चीज़ है, उसमें नहीं मिलता है। इन केस भी एक अच्छा है, अपोलो हॉस्पिटल में बना है, मास्टर लॉन्ग बना है, ठीक है मास्टर लॉन्ग बना है। उसके बाद ये देखिए मास्टर शॉर्ट इतना सारा स्टॉक्स में बना है, ये आप लोग देख सकते हैं जिस ज़्यादा जहाँ क्लिक करता हूँ इधर आई स्टॉक हाईलाइटेड हो जाता है, आप लोग इसको फॉलो कर सकता है। बुलिश एनगल्फिंग, ये बुलिश एनगल्फिंग इसमें अपोलो हॉस्पिटल में एक बार देख लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल में बुलिश एनगल्फिंग दिखा रहा है। हाँ देखिए बुलिश एनगल्फिंग दिखा रहा है, जो टेक्निकल एनालिसिस तो मैंने इधर नहीं समझाऊंगा, तो जो लोग जानता है वो समझ सकता है ये बुलिश एनगल्फिंग है। और इधर सेकआउट है, इसमें भी और भी चीज़ में बहुत चीज़ आप लोग खुद चेक कर सकता है, इसमें देखिए आप लोग को बहुत सारा स्किनर मिल जाएगा लेकिन ये 10 सारा चीज़ एक साथ का ही नहीं मिलेगा, और उसके साथ आप लोग को इंडिकेटर्स वगैरह मिलेगा, उसके साथ वाइसल लेवल्स भी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा BPCL में लॉन्ग बॉडी कैंडल बना है, देख लेते हैं इसको एक बार,
बीपीसीएल में लॉन्ग बॉडी कैंडल, ये देखिए लॉन्ग बॉडी कैंडल बना है, और कुछ कुछ में है लॉन्ग टेल कैंडल बनता है। तो इसमें देखिए लॉन्ग टेल कैंडल कुछ बना है क्या, नहीं इधर लॉन्ग टेल कैंडल्स है, लॉन्ग टेल कैंडल्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ इसमें एक दिखा देता है वोल्टास में इसका लॉन्ग टेल कैंडल। देखिए इधर जो टेक्निकल तो मैंने नहीं समझाऊंगा, तो जिस लोग का टेक्निकल समझ में आता है वो लोग समझ जाता है कि हाँ ये सही में बना है। देखिए लॉन्ग टेल कैंडल बना है, ठीक है ना। तो इसका कुछ मीनिंग रहता है, तो क्या मीनिंग रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस का बात है। ये देखिए इसका ये बाई इसमें ऊपर जाने का कोशिश किया, इसका बाइंग प्रेशर आया इसीलिए ऊपर हुआ है। तो इसका मतलब है इसका अप ट्रेंड होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सब आप लोग को समझ लेना है। तो इसके बाद बुलिश रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल, देखिए इधर पावर ग्रिड में रिवर्सल बना है, बुलिश बियरिश रिवर्सल इस सर्व में बना है। बुलिश रिवर्सल रिवर्सल कैसे देखेगा एक बार इस सर्व को देख लेते हैं। कुछ भी एंट्री लेके देखिए मेरा केस बहुत लंबा होते जा रहा है, देखते बाद में आप लोग देख सकता है। इसके बाद और भी चीज़ है ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, ठीक है आप लोग को चेक कर सकता है। 3 दिन का हिसाब से या 4-5 दिन का हिसाब से देखेंगे तो आप लोग को नज़र आ जाएगा कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेक हुआ है। उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, बियरिश, बुलिश, ठीक है फ्लैग पैटर्न, सभी में सभी समय नहीं बनता है, जिसमें बनता है तो वो दिखता है। इधर से ट्रू दिखाएगा और मर्ज डब्ल्यू पैटर्न, बटरफ्लाई, डोजी। उसके बाद और क्या देखा, उसके बाद जो दिखाना है लेवल्स वो मैंने दिखा देता हूँ। तो लीजिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का वो मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इसमें 7 दिन का हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, वो नहीं दिखाता हूँ। स्टॉक्स का कुछ आप लोग नोट कर सकता है, सोच लीजिए मैंने कुछ स्टॉक्स मतलब छोटा कर दूंगा, तो छोटा करने से आप लोग इधर से आप लोग कुछ स्टॉक्स के ऊपर नज़र रख सकता है। सोच लीजिए इतना सारा स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखेंगे तो ये आप लोग देख सकता है। ये फिबोनाची लेवल्स का लंबा टाइम फ्रेम में मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम में इस फिबोनाची लेवल को देख सकता है, ये प्लेन फिबोनाची लेवल्स। तो मल्टीपल मतलब नज़र रखने का मतलब ये होता है कि जब लॉन्ग टर्म का कुछ लेवल्स आता है, लॉन्ग टर्म 15 डेज का लेवल्स कुछ ब्रेक होता है, को बाय लेवल आता है कि सेल लेवल्स आता है, तो आप लोग का अच्छा मूवमेंट मिलता मिल सकता है, मिलने का पॉसिबिलिटीज रहता है। इसके बाद देखिए ये जो लेवल्स है ये फिबोनाची का वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है, ठीक है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ, और ये वोलेटिलिटी बेस्ड गन एंगल का कैलकुलेशन, R1 R2 ये सब गन एंगल्स का कैलकुलेशन है, S1 S2 ये सपोर्ट्स का, और R1 R2 ये गन एंगल का कैलकुलेशन, ये है गन डिग्री का लेवल्स, इसका कैलकुलेशन है, ये भी वोलेटिलिटी बेस्ड है। ये दूसरा तरीका मैंने उधर जो दिखाया ये प्लेन था, ये वोलेटिलिटी बेस्ड है। इसके बाद फिबोनाची का स्टैंडर्ड डेविएशन देख के, जो स्टैंडर्ड डेविएशन देख के फिबोनाची का लेवल्स कैलकुलेशन है। उसके बाद ये इलिया टोप का देखता है, इलिया टोप का कैलकुलेशन है। इसके बाद ये एक कैलकुलेशन है प्रमोशन प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट, ठीक है। और एक ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये है मोस्ट प्रोबेबल, आप लोग इधर देखो वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स, ठीक है। ये आप लोग बाई का लेवल से आप लोग एंट्री ले सकता है, बाई का एंट्री, और सेल का लेवल से सेल का एंट्री ले सकता है। और इधर आप लोग को कुछ लेवल्स दिखा देता हूँ, इधर देखिए इधर भी मैंने एक फाइल बना के रखा है बहुत सारा इंडिकेटर्स। इधर ये जो ATP बाई सेल ये भी आप लोग को देखने मिलता है, इधर आप लोग को न्यू हाई लो, न्यू कनियर 1 वीक हाई लो, 2 वीक हाई लो, न्यू 1 वीक हाई लो, 2 वीक हाई लो, ये सब MACD RSI ये सब वगैरह मिलेगा। तो जो दिखाना चाहता हूँ आप लोग को बहुत सारे इंडिकेटर्स भी, RSI
लिस्ट पर मूविंग एवरेज, वेटेड क्लोज, स्टोकास्टिक, एमएसीडी। हाँ, जो दिखाना चाहता हूँ यह है गान का लेवल्स। इधर इधर एक गान का लेवल्स है, वो भी आप लोग नोट कर सकता है। इसका निफ्टी बैंक निफ्टी में भी, तो ये तब निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं दिखाया था, इधर आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का भी नोट कर सकता है और कैमरिन का भी ये नोट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैंने बाद में फिर से दिखाऊंगा, तब तक तो बहुत ही लंबा हो गया वीडियो।